नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सुनारी थाना अंतर्गत सीए चेरिया के पास कपाली बस्ती में हुए गोलीकांड मामले में 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। सांची बाजार डालडा लाइन स्थित इलेक्ट्रिक दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। और जमशेदपुर के केंद्रीय मुखी समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला एसएसपी से, रंगदारी मांगने की झूठी शिकायत के संबंध में सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। सुनारी फायरिंग मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र के सीए चेरिया के पास कपाली बस्ती में गोली कांड मामले में 3 आरोपियों को बुधवार को जेल भेजा गया है। जेल भेजे गए आरोपियों में आकाश सिंह उर्फ बाटला, सुमित सिंह और मोहित ठाकुर शामिल हैं। बाटला पर पूर्व में कई आपराधिक इतिहास रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार की दोपहर सुनारी के कपाली बस्ती के पास अपराधियों के बीच फायरिंग की घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायल होने के बाद बस्ती वासियों ने हमलावर बाटला को पकड़कर पहले उसकी पिटाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पैसे की बंदरबाट को लेकर गोली चलाई गई। पिछले कुछ दिनों से अभय गोप और सूर्य हेमरम के साथ बाटला का विवाद लगातार हो रहा था। सुनारी इलाके में इसको लेकर दोनों के बीच तानातनी चल रही थी। बताया जा रहा है अभय गोप और सूर्य हेमरम आकाश सिंह उर्फ बाटला के लिए ही काम करते हैं। ये तीनों एक ही गिरोह के लिए काम करते हैं। फिलहाल फायरिंग मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर सांची बाजार डालडा लाइन स्थित करुणा एंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिक दुकान में मंगलवार की रात आग लग गई। आग लगने से दुकान के सभी सामान जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि बगल का एक सोनार दुकान भी इसके चपेट में आ गया। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ियां पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि ये इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आग लगने से बाजार में हड़कंप की स्थिति मच गई। हालांकि शाम से ही शहर में बारिश हो रही थी, जिस कारण बाजार में भीड़ कम थी और आग का फैलाव भी कम हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। बाजार में आग लगी है, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया जा रहा है। कितने दुकान में लगी है? अभी तो 2 दुकान की सूचना, 2 दुकान पर दिख रहा है। कैसे आग लगी पता चलता है? बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से होने से आग लगी है। कितना दुकान था ये? कितने? 3 दफ्तर गाड़ी आ चुकी है। आग बुझाने के पास? हाँ, आग पर काबू पाया जा रहा है। क्या इलेक्ट्रॉनिक दुकान है? अरे शायद सोना चांदी का दुकान है, जेवरात। अच्छा, कौन कौन सी दुकान है, क्या नाम है उन दुकानों का? रतिलाल जी की इलेक्ट्रिक दुकान है और ये रत्ना मंदिर बोल करके सुनील जी की ऑर्नामेंट्स की दुकान है, ज्वेलरी की शॉप। क्या नुकसान हुआ है, कुछ जानकारी मिल पा रही? वो तो देखिए कल ही आकलन होकर के लिए कि आप वस्तु की जो यहाँ पर देखने में लग रहा है कि कुछ भी सामान नहीं बचा है, ऐसा प्रतीत हो रहा। पूरा लगभग पूरे सारे सामान जल करके राख हो गए हैं। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सरगर्मी तेज है, वहीं अब प्रत्याशी तमाम मुद्दों पर अपनी राजनीति भी तेज कर रहे हैं। बीती रात शहर के सांची बाजार स्थित डालडा लाइन में आगलगी की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद दूसरे ही दिन सुबह इंडिया गठबंधन एवं भाजपा के प्रत्याशी अपनी राजनीति तेज करने घटनास्थल पर पहुंच गए और अपने अपने स्तर से संवेदना व्यक्त करते नजर आए। बता दें बीती रात आगलगी की घटना में दुकान के सभी सामान जलकर खाक हो गए और दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ, जिसके बाद सुबह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह बारागोड़ा विधायक समीर मोहंती मौके पर पहुंच गए और दुकानदार से बातचीत कर अपनी संवेदना व्यक्त करते नजर आए। ठीक इसके बाद भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो भी मौके पर पहुंचे, वो भी दुकानदार से बातचीत कर अपनी संवेदना व्यक्त करते नजर आए। कुल मिलाकर दोनों ही मुख्य प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर अपनी राजनीतिक पकड़ को और बेहतर करने के प्रयास में जुटे हैं। बहुत कम उसका नहीं था, हम सेक्रेटरी से बात किए कल रात को, अभी डीसी से बात किए, दोनों का संज्ञान में दे दिए हैं और निश्चित रूप से हमारे सरकार काफ़ी संवेदनशील है। आपदा विभाग से हम उसको जरूर कहीं ना कहीं से काम करेंगे और ऐसे भी हम लोग हम और मंगलवार वहाँ फिर हम आएंगे परिवार से फिर बैठ के आगे कैसे उसका काम चले उस पर हम थोड़ा बुद्धि दिमाग लगाने का काम। ये क्षति बड़ा है, दोनों ही दुकान काफ़ी जल चुका है और जिसका अर्थव्यवस्था कर आश्रित पूरा फैमिली है, किस तरह सफर करता है वो ही जानता है जिसका संग करता है।
किसी का घर जल जाना, मकान जल जाना, दुकान जल जाना, घर जलता तो पहना हुआ कपड़ा छोड़ दूँ बचता नहीं, दुकान जल गया तो इसका जो साधन शरीर लाट खुल जाता है, दोबारा खड़ा होने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन डेली का दैनंदिन जो दरकार चीज़ है वो तो स्लो नहीं हो, तो इसको देखते हैं हम लोग कितना सहयोग कर पाते हैं पार्टी में। उधर जमशेदपुर के केंद्रीय मुखी समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला एसएसपी से, रंगदारी मांगने की झूठी शिकायत के संबंध में सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर के केंद्रीय मुखी समाज मूल निवासी का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को रंगदारी मांगने की झूठी शिकायत के संबंध में एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में मुखी समाज के सदस्यों ने बताया कि वहाँ के स्थानीय ठेकेदार और उसकी पत्नी ने 5 दलित और आदिवासी महिला और उनके पतियों पर 5,00,000 रुपये रंगदारी मांगने का झूठा मुकदमा दर्ज थाने में कराया है। मुखी समाज के उपाध्यक्ष राकेश मुखी ने बताया कि परसोडे स्थित गांधी मैदान सोपोडेरा में एक सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर घेराबंदी की जा रही थी, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। इस विरोध पर स्थानीय ठेकेदार धनंजय मुंडा की पत्नी इंद्राणी मुंडा ने 5 दलित महिलाओं और उनके पतियों पर 5,00,000 रुपये मांगने का मुकदमा थाना में दर्ज कराया है। उनका कहना है कि यह आरोप गलत है, उन दलित लोगों पर झूठा मुकदमा दायर किया गया है। इधर मामले में दलितों पर निष्पक्ष जाँच की मांग एसएसपी से की गयी। सार्वजनिक रास्ते का अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसका मुखी समाज के तमाम लोगों ने विरोध किया। इस विरोध के ये पर समाज के 5 दलित महिलाओं और पुरुषों के ऊपर 5,00,000 रुपये का रंगदारी का फर्जी केस परसुड़ी थाने पर दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ में आज हम लोग आरक्षी अधीक्षक से एक मांग पत्र सौंपेंगे और निष्पक्ष जाँच की मांग करेंगे। किनके द्वारा केस किया गया? इंद्राणी मुंडा के द्वारा केस किया गया। वही मुखी बस्ती का सामुदायिक शौचालय और कर्मकांड स्थल की जर्जर हालत सुधरेगी। विधायक सरयू राय ने बर्मा माइंस के ईस्ट प्लांट बस्ती डनलप मैदान BPM+2 विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने देखा कि मुखी बस्ती में वहां निर्मित सामुदायिक शौचालय और कर्मकांड स्थल जर्जर स्थिति में है। मुखी बस्ती का मैदान भी बच्चों के खेल कूद लायक बनाने जाने की जरूरत है। बस्ती वासियों की शिकायत थी कि JNSC की तरफ से बस्ती के भीतर से कूड़ा कचरा का उठाव नहीं होता तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से कई घरों में बरसात का पानी घुस जाता है। बस्ती वासियों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए विधायक से मांग की है कि जिसे उन्हें शीघ्र पूरा करने का वादा किया। श्री राय ने कहा कि सामुदायिक शौचालय के इर्द गिर्द कूड़ा कचरा का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिससे शीघ्र हटाकर समतल किया जाएगा। शौचालय और कर्मकांड स्थल पर पानी की व्यवस्था की जाएगी, स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र टाटा स्टील का है उसमें टाटा स्टील से और जो क्षेत्र सरकार का है उसमें JNSC से जल निकासी हेतु नाला का प्रस्ताव लोकसभा चुनाव खत्म होने तक तैयार कर लिया जाएगा। और साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन प्रांगण में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रक्तदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांची स्थित रेड क्रॉस भवन प्रांगण में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रक्तदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित DDC मनीष कुमार ने रक्तदाताओं को बुके देकर सम्मानित किया। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस है, जो हम अपने संस्थापक हेनरी जुनेन के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में आज ये कार्यक्रम कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं दूसरे तरह के कार्यक्रम सभी जगह चलते हैं। हम लोग का टारगेट, क्योंकि गर्मी में रक्त का काफ़ी भाव है, मई से लेके जून तक हम लोग का 2,000 ब्लड डोनेशन का टारगेट है कि गर्मी में रक्त की कमी है। 2,000 का टारगेट रहता है, ये लगातार अभी चलेगा। हाँ, अपना नाम बताइएगा। विजय कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इधर सांसद विद्युत वरण महतो ने गांधी आश्रम में जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से भाजपा के पक्ष में समर्थन का आशीर्वाद मांगा। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिरसा नगर एवं बर्मा माइंस मंडल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, कार्यकर्ताओं के संग चुनावी चर्चा की। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद सह भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को सांसद विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सीताराम डेरा मंडल अंतर्गत बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम देवनगर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष कुंजन यादव, सीताराम डेरा मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा समेत आश्रम से जुड़े लोग मौजूद रहे। जनसंपर्क अभियान के तहत सांसद विद्युत वरण महतो ने आश्रम के लोगों संग बैठकर चुनावी चर्चा की। वहीं उन्होंने लोगों से 25 मई के दिन भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने हेतु अपना आशीर्वाद और समर्थन देने की अपील की। इधर साक्षी में JNSC ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, शताब्दी टावर का पार्किंग एरिया हुआ अतिक्रमण मुक्त।
सांची स्थित शताब्दी टावर में JNIC की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में पार्किंग एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हालांकि इस मामले में दुकानदारों ने कहा कि वे लोग रजिस्ट्री के माध्यम से दुकानों को खरीदे थे, इसके बावजूद उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। SNP एरिया सांची शताब्दी टावर का बेसमेंट है जो आज पार्किंग के नाम पे तोड़ा जा रहा है, तो सरकार का जो काम है वो अपनी कर रही है, इससे कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। बस मसला छोटा सा ये है कि जब ये दुकान बनी थी, पार्किंग बनी थी और जितने सारे दुकान पर सब रजिस्ट्री, कोई इलीगल नहीं है ना कोई कब्जा किया, सब आप जब आप रजिस्ट्री करवाए हैं कोर्ट से, मजिस्ट्रेट ने इस पर स्टाम्प लगा के गुहार दे के हमको परमिशन दिया है कि यहाँ दुकान खोले चलाए, उस वक्त आप कहाँ थे जब आप साइन कर रहे थे। आज हम दुकान खोलने आ गए हैं पार्किंग के नाम पे, तो हम लोग को तो पैसा दे के खरीदे हैं, तो इसका इसके बदले कुछ मुआवजा होना चाहिए। आप सब दुकान तोड़ दीजिए, जितने दुकानदार कुछ नहीं बोले, लेकिन आप उसको उसके बदले मुआवजा दे दीजिए, या फिर काम तो गलत आप ही किया, आपने अलाउ किया तब ना पार्किंग बना है। हम लोग को क्या मालूम ये पार्किंग है कि दुकान है क्या, हम लोग को मिला था खरीदने का पैसा, दिए खरीद लिया, आपको ही कोर्ट से आपका पास किया हुआ है, इसका मेरा मोटिवेशन किया हुआ, रजिस्ट्री किया हुआ, सब कुछ है, आपने अलाउ किया, आज पर आप भी नहीं बोल रहे हैं कि गलत नुकसान कितना है आपके अंदाजा लगे, हम लोग क्या अंदाजा। क्या दुकान था? आर्ट्स का दुकान था, प्रिंटिंग। कितने मेरा 2005-06 से। और सिंहभूम लोकसभा सीट जहां राहुल गांधी के भाषण ने लोगों को झंझोर कर रख दिया। आदिवासियों के उत्थान की बात करते हुए आदिवासियों के कानून देने की बात की, वहीं संविधान हाथ में ले संविधान बचाने की बात करते हुए आदिवासी दलित आर्थिक कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने के लिए कहा। हर महिला के अकाउंट में 1-1 लाख भेजेंगे। जहाँ आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन सहित मंत्री बन्ना गुप्ता और सिंहभूम के लगभग सभी विधायक मंच पर उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये भाई और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और BJP इस आवाज को चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आपके बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को BJP के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती हैं, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे, इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं, सारे के सारे आदिवासी, मैं, चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे
इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। भाइयों बहनों, मैं आपको एक जरूरी बात कहने आया हूं। आपको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी झंडा चौक साक्षी बाजार जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में, कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में, बालिका वधु सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में, साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में, नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी 2x6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438404। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुक कर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डर कर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यह है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, यह है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1-0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है, और ग्रोथ में करना है तो भी होता है।
सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। विजिट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, अदानी ट्रेड सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। मेरे एक वोट से मोदी जी ने हजारों किलोमीटर के हाईवे एक्सप्रेसवे बनाए। अब मेरे वोट से इन हाईवे के किनारे हम ड्राइवर्स के लिए आधुनिक सुविधाएं बनाएंगे। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। मेरे एक वोट से मुझे पक्का घर मिला, 4 करोड़ घर बने देश में। अब मेरे ही वोट से हर एक गरीब के सिर पे होगी पक्की छत। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहां सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहां आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डॉक्टर एसपी फाउंडेशन द्वारा बिष्टुपुर स्थित एक होटल में थैलेसेमिया दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं डॉक्टर टीके चटर्जी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेमिया दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें बच्चों में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है जो शरीर के लीवर और हार्ट को क्षति पहुँचाती है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी में तथागत नाम से एक दवा बनाई गई है जो इस रोग में काम आती है। उन्होंने बताया कि शादी से पूर्व पति पत्नी दोनों का थैलेसीमिया जांच हो, अगर माता पिता दोनों को थैलेसीमिया है तो बच्चों में थैलेसीमिया का प्रभाव अवश्य होगा।
इसलिए दोनों परिवारों के बीच जब विवाह होता है तो उसमें दोनों को थैलेसीमिया नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर एसपी फाउंडेशन की ओर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर टीके चटर्जी। आज हमारा यहाँ पर 8 में इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे को मनाया जा रहा है और यहाँ हमारे बीच उपस्थित है हमारे बहुत मान्यवर सरजू राय जी, जो MLA भी है। तो आज हम लोग इसके जरिए जागरूकता कार्यक्रम के जो दिए हैं, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि थैलेसीमिया के बारे में जैसे लोगों में जागरूकता आएंगे तो स्वाभाविक है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने थैलेसीमिया का लोगों के लिए भी, बच्चे के लिए भी आपको ब्लड डोनेशन कैंप होगा और ब्लड डोनेशन कैंप होगा, उनका आर्थिक सहयोग चाहिए। और सरकार की ओर से अगर इसको हम लोग एक कलम बना लेते हैं जहाँ शादी के पहले लड़का लड़की में वर वधु में उसको थैलेसीमिया स्टेटस के बारे में जानकारी मिले, तो तब क्या होगा, जैसा कुष्ठ टीकोजी को मिलाया जाता है तो उसमें, लेकिन नहीं करके अगर थैलेसीमिया स्टेटस को मानते हैं तो उसमें आएगा ये ठीक है, ये दोनों अगर थैलेसीमिया है तो इसको शादी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से साइप्रस में मैंने देखा थैलेसीमिया को रोका गया। मैंने होम्योपैथी द्वारा भी थैलेसीमिया के बारे में बहुत सारा अच्छा ट्रीटमेंट किए हैं। परसोडी के कीताडी में पानी को लेकर लोगों में हाहाकार मचा है। लोगों ने कहा चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आते हैं। परसोडी के कीताडी में गर्मी के मौसम में पानी के लेयर नीचे चले जाने से पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोगों ने कहा चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि देखने नहीं आते हैं। बताया जा रहा है कि कीताडी के स्थानीय लोग जल मीनार से पानी लेने के लिए पिछले 12 घंटे से गलन का लाइन लगाते हैं, तभी जाकर थोड़ा और कुछ लोगों को पानी मिल पाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का लेयर काफ़ी नीचे चला गया है जिससे पानी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। दिक्कत आप लोगों को हो रही है? हम लोग तो हर साल ही झेलते हैं, है ना। यहाँ नेता लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ एक बार भी झांकने नहीं आते हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार नेता लोग आए और वोट मांगे। कब से लाइन लगाए हुए हैं आप लोग? सुबह 5 बजे उठे हैं, उठते साथ यहाँ आकर लाइन लगाए हैं। अभी तक मेरा नंबर ही नहीं आया और पानी चालू भी नहीं हुआ, ना पानी मिला। एरिया में पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ पे हम हर एक साल लेयर चला जाता है। गर्मी के टाइम में हम लोग को 4-5 महीना पानी के लिए बहुत जूझना पड़ता है। आज इतना साल हो गया, अभी तक हम लोग के एरिया में पाइपलाइन नहीं बिछा है, कनेक्शन नहीं दिया है। सब कुछ हम लोग करा के रखे हैं पर आज तक जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। कोई नेता यहाँ झांकने भी नहीं आता, आता है बस चला जाता है, वोट मांगने के लिए आता है फिर चला जाता है। यहाँ पे सुबह 5 बजे से हम लोग लाइन लगा के रखे हुए हैं, अभी तक देखिए पानी में ऐसे लेयर पूरा नीचे है। अब कब मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं है। वहीं 25 मई को जमशेदपुर संसदीय सीट पर चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साक्षी बाजार इलाके में कई स्थानों पर भाजपा के निशान का वॉल पेंटिंग बना हुआ था, जिसे देखकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह बारागोड़ा विधायक समीर महंती भड़क उठे। बता दें, जनसंपर्क अभियान चलाने हेतु साक्षी बाजार पहुंचे थे और इसी दौरान उनकी नज़र भाजपा के वॉल पेंटिंग पर पड़ी और इस पर वे भड़क उठे। उन्होंने मौके से ही जमशेदपुर अक्षेत्र के उप प्रशासक को फोन कर जवाब तलब करने लगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा संविधान की बात करती है, दूसरी तरफ आचार संहिता उल्लंघन करती है, ये उसकी कथनी और करनी को दर्शाता है। इसके कुछ ही देर बाद भाजपा के सभी वॉल पेंटिंग पर काले रंग की पोताई नजर आई। देखिए, पूरा बीजेपी पूरा देश को इसी तरह क्या कर रहा है, ना खाता ना वही, जो कहता है मोदी जी वही होता है सही। अब ये लोग इसी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा, एक तरफ बोलता है कि हम कानून को और संविधान को सम्मान करें, दूसरे तरफ आचार संहिता के लोग अपमान कर रहा, सम्मान कर रहा। और निश्चित रूप से मैं भी जिस हिसाब से बात किए हैं, एक घंटा का अगर अंदर अगर इसको मिटाने का काम नहीं करेगा, अगला दूसरा दिन सुबह सुबह पूरा हमारा जिला का सारे लोगों का दीवार में तीर कमान का निशाना देखेगा। हम लोग को बोलेंगे तुम लोग जब तक नहीं मिटता तब तक अभी आप लोग यहाँ पर रहिएगा, धरना हम लोग है अभी, वो आएगा उसके बाद उसका होगा व्यवस्था। रांची लोकसभा के संसदीय क्षेत्र ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल प्रखंड के तमोलिया पंचायत और आसनबनी के दर्जनों गांव में तूफानी चुनावी दौरा रांची लोकसभा के संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने किया। संजय सेठ अपने भारी समर्थकों के साथ ईचागढ़ के तमोलिया, बंधुगोड़ा, कपाली बस्ती, कमारगोड़ा, डोबो, धरनीगोड़ा, रुगड़ी, पूरी शिली, गौरी समेत दर्जनों गाँव में ग्रामीणों से मिलकर अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ को अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में समस्या का समाधान किया जाएगा। और मोदी की गारंटी देखो, आप बेटी लोग से पूछो,
कैसे मोदी की गारंटी, चाहे शौचालय के रूप में हो, प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, गैस चूल्हा सिलेंडर के रूप में हो, विश्वकर्मा योजना के रूप में हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में हो। मोदी हर समय हर जगह काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाना, लेकिन झारखंड की सरकार पूरी तरह विफल है। 10,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया हर घर नल लगाने के, लेकिन झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 41% ही काम आया। क्यों? मनसा गलत थी ना, जनता प्यासी मर जाए हमको नहीं देना क्योंकि मोदी का नाम हो जाए, यह राजनीतिक द्वेष झारखंड सरकार ने किया। अब झारखंड के सरकार को पाप लगेगा, जल्द ही लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, भाजपा आजसू की सरकार आएगी, तब जल्दी से जल्दी कोई घर नहीं बचेगा जहां हम नल नहीं दें, नल से शुद्ध पानी नहीं दें, ये हम सबका संकल्प। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सुनारी थाना अंतर्गत सीए चेरिया के पास कपाली बस्ती में हुए गोलीकांड मामले में 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। सांची बाजार डालडा लाइन स्थित इलेक्ट्रिक दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। और जमशेदपुर के केंद्रीय मुखी समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला एसएसपी से, रंगदारी मांगने की झूठी शिकायत के संबंध में सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।